वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि किसी नए लक्षण के लिए किसी दवा के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा और उसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। WHO ने कहा कि वो क्लिनिकल ट्रायल के अलावा आइवरमेक्टिन के जनरल इस्तेमाल के खिलाफ है। एक दिन पहले सोमवार को ही गोवा सरकार ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए वयस्कों पर इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने मंगलवार को आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल को लेकर ट्वीट किया। इससे पहले मार्च में WHO ने कहा था कि इस दवा से मौतें कम होने या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ने के सबूत मिलने की संभावना काफी कम है। जर्मन कंपनी ने भी दी थी चेतावनी। WHO से पहले जर्मन हेल्थ केयर और लाइफ साइंस कंपनी मर्क ने भी इस दवा को लेकर चेतावनी दी थी। मर्क ने कहा था कि हमारे वैज्ञानिक आइवरमेक्टिन के प्रभाव के सभी तथ्यों और स्टडीज की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब तक इस दवा के कोरोना पर प्रभाव पड़ने के कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ज्यादातर स्टडीज में सेफ्टी डाटा की कमी है। गोवा सरकार ने भी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। 10 मई को गोवा सरकार ने आइवरमेक्टिन के कोरोना संक्रमण में इलाज को मंजूरी दी है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि कोरोना संक्रमितों को 5 दिन तक 12 mg आइवरमेक्टिन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।